के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और आज उन्हें यहाँ अपने संसदीय क्षेत्र में भी आना है और अपने संसदीय क्षेत्र में जब वो आ रहे हैं तो उनके भव्य स्वागत की जो तैयारी है लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये वही चौराहा है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। इसे लंका चौराहा कहते हैं चूंकि ये BHU का गेट है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण PM को करना है। पूरा जो चौक है वो फिलहाल भगवा रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बनारस की तैयारी आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ चौथे चरण का जो चुनाव चल रहा है उसका पेस क्या है, उसकी पिच क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए 10 स्टेट की कुल 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, 283 सीटों पर 3 चरणों में मतदान अभी तक हो चुका है। आज की वोटिंग के बाद दक्षिण भारत में मतदान पूरा हो जाएगा। आज हैदराबाद से ओवैसी समेत मोदी सरकार में 5 मंत्रियों की परीक्षा हो रही है, उनकी किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। तो वहीं UP की अगर आप बात करेंगे तो अखिलेश यादव की किस्मत आज EVM में कैद हो जाएगी। PM मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज डेरा डालेंगे जिसकी तैयारी आप लगातार India TV पर देख रहे हैं। एक भव्य और मेगा रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। देखिए जितनी भी पोलिंग बूथ्स हैं वहां लंबी लंबी कतारें कुछ पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ जो ट्रेंड है वो तीसरे फेज का ही जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अभी मध्यम आप कह सकते हैं कि गति वोटिंग की है और पोलिंग बूथ्स पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गर्मी ज्यादा है, लोग घर से बाहर निकल तो रहे हैं लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितनी बड़ी तादाद में निकलना चाहिए। हालांकि देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है इन सीटों पर, इन 96 सीटों पर कौन मारेगा बाजी है तो आज मतदाता कर देंगे EVM में कैद उम्मीदवारों का फैसला।